माय चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वापस बात करते हैं टेक्नो के लॉन्च हो चुके एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है टेक्नो कैमन आई क्लिक 2। यस, तो टेक्नो ने कैमन सीरीज में अपना फोर्थ नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। देखने जाए तो बैरली कुछ ही दिन हुए जब टेक्नो ने कैमन सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जो कि थे आई एयर 2 प्लस, आई 2 एंड आई 2 एक्स। अब ये फोर्थ स्मार्टफोन अगेन लॉन्च हो चुका है, टेक्नो कैमन आई क्लिक 2। एंड बेसिकली अगेन ये स्मार्टफोन एक बजट रेंज स्मार्टफोन पे ही तौर किया गया है, जहाँ पे कंपनी का ये फोकस है कि ये बजट रेंज स्मार्टफोन में आपको बेस्ट इन क्लास कैमरा फंक्शनलिटीज भी मिले। तो ये जैसे सेट कि ये स्मार्टफोन में बेस्ट इन क्लास कैमरा फंक्शनलिटीज होगा, तो ये स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में एक अच्छी बैटरी भी दी गई है, जो कि है 3750 mAh की। एंड उसके अलावा अगर हम लोग टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 के दूसरे आफ्टर सेल सर्विसेज के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको विद इन वन ईयर वन टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ में आपको 100 डेज का फ्री डिवाइस रिप्लेसमेंट भी मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको वन मंथ का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलता है। तो यस फ्रेंड्स, ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में स्मार्टफोन के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। बट उसके पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्मार्टफोन के स्क्रीन साइज से चालू करते हैं। तो यस, टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 में स्क्रीन साइज है 6.2 इंच का। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में सुपर फुल व्यू डिस्प्ले भी दिया गया है। एंड साथ में ये स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले में नॉच दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो होता है 19:9 का। एंड अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यस, ये स्मार्टफोन में ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है विथ मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट। एंड रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के मामले में बात करते हैं, तो यस, स्मार्टफोन में 4GB रैम दिया गया है विथ 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके मेमोरी को 128GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। एंड अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं OS के बारे में। तो यस, टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 विल रन ऑन एंड्रॉइड ओरियो 8.1 एंड साथ में उसमें हाई OS का वर्जन रहेगा 4.1 का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 के कैमरा के बारे में, जो ये स्मार्टफोन के सबसे बड़ी हाईलाइट है। तो यस, एज आई सेड इन द बिगनिंग कि ये स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप किया गया है। तो यस, ये दोनों कैमरास वर्टिकली प्लेस्ड किए गए हैं, जहाँ पे उसका मेन कैमरा सेंसर है 13 MP का एंड उसका सेकेंडरी कैमरा सेंसर है 5 MP का फॉर ऑफकोर्स डेप्थ सेंसरिंग। एंड इसके अलावा इसमें AI बेस्ड बुके इफेक्ट भी दिया है, सुपर पिक्सल्स भी दिए हैं। ये स्मार्टफोन में कंपनी क्लेम भी करती है कि जो भी आप इमेजेस क्लिक करोगे वो एकदम ही ज़्यादा शार्प रहेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यस फ्रेंड्स, ये एक और डेफिनेटली एक अच्छी बात है, बिकॉज बेसिकली टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 का फ्रंट कैमरा भी 24 MP का है एंड उसका अपर्चर है F2.0 एंड यहाँ पे माइक्रोन पिक्सल का साइज है 1.8। एंड ऑफकोर्स इसके फ्रंट कैमरा में ब्यूटिफिकेशन फीचर्स, AI बेस्ड फीचर्स, फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो कैमरा वाइज अगेन ये स्मार्टफोन इंप्रेसिव लगता है, एकदम वाव तो नहीं है बट डेफिनेटली इंप्रेसिव लगता है। एंड अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के ऑप्टिक्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो यस, एज आई सेड इन द बिगनिंग कि स्मार्टफोन में 3750 mAh की बैटरी दी गई है, विच इज डेफिनेटली अ गुड पॉइंट। एंड अगर हम बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में, तो यस, ये स्मार्टफोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट देता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये स्मार्टफोन में 3 कार्ड स्लॉट्स दिए गए हैं, 2 सिम कार्ड के लिए एंड 1 डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के लिए। एंड अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर्स के बारे में, तो यस, 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल रहेगा, जो कि है एक्वा ब्लू, मिडनाइट ब्लैक एंड हवाई ब्लू। तब फ्रेंड्स फाइनली आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में। तो यस, डेफिनेटली टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 विल सपोर्ट 4G वॉइस ओवर LTE। इसके साथ साथ इसमें वाईफाई रहेगा, ब्लूटूथ रहेगा, GPS है, AGPS है। इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। यस, इसमें माइक्रो USB पोर्ट ही दिया गया है। एंड अगर हम बात करते हैं सेंसर्स के बारे में, तो यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली स्मार्टफोन के रेयर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 के बारे में। एंड अभी फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो यस, एज आई सेड इन द बिगनिंग कि ये स्मार्टफोन को भी एक बजट स्मार्टफोन के तौर पे ही लॉन्च किया है। तो ये स्मार्टफोन का इंडिया में प्राइस सेट किया गया 13,499, विच इज़ ऑलमोस्ट 13,500। एंड ये इसी वीक के थ्रू आपको सारे ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल रहेगा। एंड अगर आप जियो यूजर्स हो, तो ऑफकोर्स आपको एडेड 2250 का बेनिफिट मिलेगा, मे बी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कूपन्स और वाउचर्स।
तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको ये स्मार्टफोन 11,000-12,000 के आसपास पड़ जाएगा अगर आप एक जियो यूजर हो, अदरवाइज 13,500 इज नॉट अ बैड प्राइस। अगर हम देखें फ्रेंड्स कि 15,000 के अंडर अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहिए तो क्या आपको एक स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये सारे स्पेसिफिकेशन देख के पढ़ के तो ऐसा तो डेफिनेटली नहीं लगता कि हाँ बस यही स्मार्टफोन है कि आपको खरीदना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको कंसिडर करना चाहिए। कैमरा इज डेफिनेटली अ गुड पॉइंट, डिस्प्ले में अगर आपको नॉच पसंद है तो ये स्मार्टफोन में नॉच भी दिया गया है जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्प्ले साइज आपको मिलता है बॉडी के कंपैरिजन में। साथ में बैटरी भी स्मार्टफोन की अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया टेक हीलियो P22 एक मीडियोकर प्रोसेसर है एंड साथ में आपको माइक्रो USB पोर्ट देता है, बिकॉज डेफिनेटली अभी यूजर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड रेंज स्मार्टफोन में भी हमको USB टाइप सी कनेक्शन मिले जिससे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट स्मार्टफोन में मिले। तो फ्रेंड्स ये थी ओवरऑल बात टेक्नो कैमन iClick 2 के बारे में। तो यस डेफिनेटली अगर अंडर 15,000 आपको स्मार्टफोन खरीदना है तो एक थॉट दे सकते हो, बट स्टिल अगर आपको 15,000 बजट है तो फ्रेंड्स देयर इज मोटो वन पावर, नोकिया का 6.1 प्लस है, उसके अलावा शाओमी के भी स्मार्टफोन्स है, ऑनर के भी स्मार्टफोन्स है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है वो लीस्ट ऑप्शन बना हुआ रह जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही था ये स्मार्टफोन के बारे में, एंड अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।